सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिश से दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। खुशी का पहला उपाय, पिछली बातों पर बहुत अधिक विचार करने से बचें। जीवन में पछतावा करना छोड़िए, कुछ ऐसा करिए कि आपको छोड़ देने वाले पछताए। आज का पंचांग 1 सितंबर 2021 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, सुबह 6:22 तक रहेगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र दोपहर 12:34 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:26 से 2 बजे तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 1 सितंबर 2021 दिन बुधवार, आध्यात्मिकता और रचनात्मकता अभी आपको प्रेरित कर रही है। काम आपके तनाव का कारण बन सकता है। रोमांस के लिए समय निकालें, अधूरे रिश्ते को समाप्त कर सकते हैं। नए अवसर और आय के नए स्रोत अब दिखने लगे हैं। मौज मस्ती और पार्टी करने का समय आ चुका है, इसलिए अपने दोस्तों को बुलाइए और उत्साह के साथ इन क्षणों का मजा लें। नए रिश्ते को लेकर आप उत्साहित और चिंतित दोनों हो सकते हैं। नशीले पदार्थों के प्रलोभन से बचें, अपने दृष्टिकोण को बदलना एक बुद्धिमान और जिम्मेदार व्यक्ति की निशानी है। पुरानी और बेकार चीजों को जीवन से हटा देने का समय है। आप किसी पिछली स्थिति से महज किसी एहसान की भावना या मजबूरी के चलते चिपके हुए हैं। आपको इनमें से बाहर आ पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज आप इस स्थिति से बाहर आने के लायक मानसिक शक्ति जुटा पाएंगे। आपको अपने इस काम में किसी घटना से भी मदद मिलेगी। घर में नजदीकी रिश्तेदारों का आगमन होगा तथा आपसे विचारों का आदान प्रदान घर के वातावरण को खुशनुमा बनाकर रखेगा। किसी विशेष मुद्दे पर भी विचार विमर्श हो सकता है। युवाओं को किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में अपनी सहायता का हल मिल सकता है। जिन बातों के कारण उदासी और नकारात्मक महसूस हो रही थी, उन बातों की सच्चाई पता चलने के कारण विचारों में स्पष्टता और उत्साह फिर से आपको महसूस होगा। कोई व्यक्ति आपका उत्साह बढ़ाने की कोशिश करता रहेगा, जिसके कारण कठिन कार्यों को भी पूरा कर पाना आपसे संभव हो सकता है। काम की जगह आ रहे बदलाव को अपनाते वक्त शुरुआत में तकलीफ होगी, लेकिन इसी काम को आप वक्त के साथ पूरे उत्साह के साथ कर पाएंगे। पति पत्नी मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पाएंगे। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बदलाव नजर आएंगे। बच्चों की सेहत में बार बार आने वाले बदलाव आपको चिंतित करा सकती है, ध्यान रखें। करियर को लेकर चिंता रह सकती है, ऑफिस के काम में उलझन आ सकती है, मानसिक स्थिरता दुखी कर सकती है, ध्यान रखें। सगाई हो रखी है तो शादी तय हो सकती है। किसी निकट व्यक्ति के कारण जॉब संबंधित मामलों में अनुकूलता रह सकती है। जीवन साथी को खून से संबंधित समस्या रह सकती है। लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, किसी अति प्रिय व्यक्ति का साथ मिल सकता है। खान पान का पर्याप्त ध्यान रखें। मित्र दोष वाले राजनेताओं को झटका लग सकता है। कानूनी संकट का सामना कर रहे लोगों का संकट बढ़ सकता है। चोट का खास ध्यान रखें। सावधानियां, बच्चों पर कठोर नियंत्रण न करके मित्रवत व्यवहार करें, इससे वह आसानी से अपनी समस्याओं को आपके साथ शेयर कर पाएंगे। आपकी ईगो व गुस्से की वजह से मामला थोड़ा अस्त-व्यस्त हो सकता है, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। नए लोगों से मिलकर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं।
यौन सुख के अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जीवन का सिद्धांत है, उसे ही मिलता है जो खोजता है। आज आप अपने संबंध को लेकर उत्साहित और परेशान दोनों हो सकती हैं। आपके प्रेम का रिश्ता अभी नया है और इसमें आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से सुरक्षित और प्यार महसूस कराएगा। प्यार के इस चरण में नशे और अन्य गलत चीजों के आदत से बचें। प्यार की इस भावना का मजा धीरे धीरे से लिए। आपको अपने पार्टनर के धीरज की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। वो आपकी कई बातों को लंबे समय से सहन करते आ रहे हैं और आपको खुश करने की कोशिश पर भी आपके ठंडे मिजाज के बावजूद आपसे अच्छा व्यवहार करते रहे हैं। अगर आपको एक बार कुछ बुरा लग भी गया तो भी उन्हें माफ कर दे। वे खुद भी अपनी गलतियों से शर्मिंदा है और अभी दोबारा ऐसे गलती नहीं करेंगे। पति पत्नी में आपसे संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी और अधिक नजदीकियां आ सकती है। बात करते हैं करियर की। इस वक्त मनोरंजन और आनंद आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अपनी कल्पना और बुद्धिमत्ता का सही दिशा में प्रयोग करें। आपका रचनात्मक और शांत स्वभाव आज आपको आराम देगा और आपको तारीफों का पात्र बनाएगा। याद रखें, कभी कभी कूटनीति बिगड़े कामों को बना देती है। पार्टी करने और उन लोगों से मिलने के लिए यह वक्त बेहतरीन है जिनसे आपकी मुलाकात लंबे समय से नहीं हुई। एक नया रिश्ता आपको परेशान कर सकता है। लालच से दूर रहे क्योंकि इससे नुकसान होगा। जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को भी बदले। दुनिया में सबके लिए अच्छा करें, इसके बदले में आपको भी अच्छा ही मिलेगा। आज आप काफी मेहनत के साथ भाग दौड़ भी करेंगे परंतु उतना संतोषजनक परिणाम मिलना मुश्किल होगा। दिल छोटा ना करें, हर दिन एक जैसा नहीं होता और किसी किसी दिन मेहनत काम नहीं आती। आज की घटनाएं आपके लिए सबक का काम करेगी जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी जिससे कि आप योजना और संधि बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। नया क्रय कार्ड ना बनवाएं। कार्य क्षेत्र में किसी कर्मचारी की लापरवाही से कोई बड़ा नुकसान होने की आशंका है, इसलिए बेहतर होगा कि अधिकतर निर्णय आप स्वयं ही लें। अपनी देखरेख में ही ऑर्डर तैयार करवाए। नौकरी पेशे व्यक्तियों की ऑफिस के मित्रों के साथ गेट टुगेदर करने की योजना बनेगी। बात करते हैं सेहत की। आपकी अत्यधिक व्यस्त दिनचर्या आपको स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधित किसी भी काम को गंभीरता पूर्वक करने की राह में रोड़ा बनी हुई है। वैसे तो आप अपने भोजन को लेकर जागरूक रहते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से आप अपने काम में उलझे होने के कारण जंक फूड खा रहे हैं। हालांकि काम का दबाव अभी हल्का होने वाला नहीं है, तभी आपको अपने स्वास्थ्य की खातिर आराम करने और स्वास्थ्य कर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने सेहत का आपको पूरा ख्याल रखना होगा। आज का उपाय। आज भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाए शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।